आदरणीय दर्शकवृंद, कार्यक्रम सीधा सवाल प्रश्न के बहुत बहुत स्वागत है। आज सीधा सवाल कार्यक्रम के अतिथि जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ल व्यक्तित्व और विशेषकर किसान से कृषक से बेसी इनका लगाव रहे, कृषि वैज्ञानिक यामुना प्रसाद साह जी, जे अपने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम सीधा सवाल में। धन्यवाद। एक आज में आबि कऽ हम अगर हम अपन अनुभव के बारे में कुछ कृषक दादू भाई सबके कुछ हम सहयोग कऽ सकै छी तऽ हम अपने आप के सौभाग्य मानै छी। धन्यवाद। हम सब सीधा बात करी जे किसान और कृषक, किसान और कृषि ये एक दोसर के अपने केना जोड़े छी? किसान और कृषि नेपाल के परिवेश में नेपाली राज्य शासक के अगर देखल जाए जे रोल एते रोल के हिसाब से देखल जाए तो किसान और कृषि ए दुनू के अपने केना जोड़े छी? किसान और कृषक, किसान आ कृषि, कृषि नेपाल अपने के आई समय के शताब्दियों से जैसे किरात वंश रहे वही समय से अपने के कृषि के उत्पत्ति भेल। किरात वंश सब जे रहे वही समय में अपने के जंगल के थरानी क जंगल के में आग लगा कर तकर बाद में वो के की कहने छे कि कृषि के खेती योग्य जमीन सब बने नहीं। तकर बाद में क्रमशः जनसंख्या सब बढ़ते चल गए तो अपने के सब प्रथम नेपाल में राजनीतिक से बेसी सबसे पहले किसान छे आ किसान सब मतलब राजनीतिक में कुछ व्यक्ति गए वह अपन अपन कोनो कोनो पेशा थे वो पेशा में गए लेकिन शुरुआत में सब कृषि किसाने थे। ते दुआरे किसाने थे नेपाल के जे कि अपनो हर दृष्टिकोण में हर जगह वो अपन योगदान निस्वार्थ दे रहा है। मैंने धोती वाला खेत में जो रोपनी करे छे ओकर कमाई काठमांडू में बैठ कर लोग खाई छे। हम अपने के विचार में हम तो ये कहब कि किसान सब जे छे से मतलब काठमांडू में नहीं कि नेपाल के चाहे कोनो भी जगह पर हो इवन मतलब अपने के राजनीति के प्रसंग नहीं कहो राजनीति में लागे वाला व्यक्ति नहीं कि डॉक्टर भेले वा व्यापारी भेले वा शहर में बसवास कर है चाहे एहन जगह पर जैसे को किसान सब कुछ नहीं उत्पादन कर सके है वो हर जगह अपन उत्पादन पुगा कर किसान से एहन व्यक्ति जे कि अपन दुख पसीना पसीना बहा कर वो पसीना के सीज कर आ खेत में जो सुसुप्त अवस्था के व्यू रहे है वही सुसुप्त अवस्था के व्यू के आगामी के भविष्य के एक बोट आ बिरुआ मानल गए तै के उत्पादन कर हर जगह पूरा कर प्रपूर्ति करे है आ अपना जगह के साथ साथ में हर जगह के अपन सेवा पुआ। किसान के पीड़ा अपने बहुत लंबा समय से कृषि से आबद्ध छली और अखन तो अपने आबद्ध छी अपने के अनुभव है किसान के वास्तविक पीड़ा मर्म नेपाली शासक बुझल के कुछ पहले पहले सब के छले कि कोनो कोनो समय समय अनुसार परिवर्तन होते गए लेकिन अहाँ के हमरा जना के समझना है 2032 साल में अहाँ के कृषि वर्ष मनायल गए छले वही समय में किसान के जे उत्पादक छले प्रति इकाई जमीन में जे उत्पादन छले ओहिमे क्रमशः कुछ दिन तक अस्थिरता रहे लेकिन तकर बाद में फिर वो आबि कऽ से ओहिमे क्रमशः उत्पादक तो जे है से कम होते चलि गेलै। कारण बहुत छै के पीछा जेना कि अपने के जमीन के उर्वरा शक्ति बढ़ते चलि गेलै वर्षा जे है से टाइम टू टाइम कम होते सड़क देखियो सड़क जे होइ छै किसान खेत में उपजेलते लेकिन यातायात के सुविधा नहीं रहते तो बाली शहर तक नहीं पहुँचते जतय से ओकरा आमदनी हेतै। कृषि सड़क पीच भेल नेपाल में अपने के नजर में है? हम बुझ गए पीच कृषि सड़क कहो वो से हरेक देश में है इवन यूरोपियन कंट्री व साउथ ईस्ट एशिया हरियाणा जगह इवन बगल में हरियाणा पंजाब इंडिया में चाइना में और भी बहुत जगह है लेकिन अपना सबके की छे कि अपने के कृषि रोड व कृषि सड़क के तो बाते छोड़ू
आदमियों को चला वाला भी सड़क नहीं थी बने के लगे तो अपने के पंचायत काल से लेकर अभी तक वही 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 सड़क देते वही सड़क में साले साल रखे अगर वो सभी मंत्री पढ़ लेते तो उनका 17 फीट ऊपर पी गए लेते लेकिन चलो वही हम ये कह कि मतलब नेपाल में कृषि उत्थान के लागे कृषि सड़क अनिवार्य है कैला अनिवार्य है कि अपने के किसान के इनपुट जे लगाने छे खेत में वो पुगाब के लागे अखुनता एक दोसर के जाय नहीं दे रहा छे ते दुआरे वे ट्रैक्टर सा वे मशीनरी के जमाना चले ले तो ढुवानी को ये पुगाब के लागे खेत में आ खेत में से जो उत्पादन भले ता मूड़ी पके को नहीं बिक सके ये का दिक्कत छे शहर तक बिजली के लाइन ले शहर तक वो अपना घर में पुगाब के लागे वा लोकल स्थानीय बाजार में भी लगा के लागे जे अपने के कृषि सड़क अनिवार्य छे अब हमसे बात करी जे राज्य का कृषि पर विभेद करवे के लिए तय जैसे नेपाल से पाछा नेपाल और जापान अपने के जापान के अनुभव से है नेपाल और जापान एक के साथ जैसे कृषि के शुरुआत के लिए और जापान के बढ़िया सहयोग रहे नेपाल के वही समय कृषि यंत्र जते भी रहे सब जापानीज रहे अगर जेडीपी नक्का जी की हमसे बात करें तो जापान कहाँ से कहाँ पहुँच गए और नेपाल घिस गए तक कारण कहल जाए अपने के में की है कि पर अभी हम ये कह चाहब कि कृषि के उत्थान के लागे व प्रगति के लागे डेवलपमेंट के लागे अभी बहुत चीज सब है एहन चीज सब है जैसे मतलब त्रुटि है जना के सबसे प्रथम तब ये कह कि पूरक के रूप में कृषि के उत्पादन बढ़ावे के लागे कृषि के मतलब एकदम ऊंचाई पर ले जाए के लागे अपने जापान के अथी दिल गए उदाहरण दिल गए जापान तो अपने के जैसे नागासाकी या हिरोशिमा पर जे उस समय में जे एटम बॉम्ब गिर ले परमाणु बम गिर ले तेकर बाद में 40-40 कोस तक जना के समाचार सुन सुन ली वा कतौ कतौ लिखल छै में देख ली तो ओहि में की छलै कि मतलब गाछी के जे छुलका सब जे छै सेहो सेहो तब जमीन पूरा बंजर भ गेल रहै लेकिन ओहि सब सब दोसर जगह सब मल सब कंपोस्ट सब उठा उठा कर के बना कर मेहनत कर कर पसीना चुहा कर ओहि सब पर प्रति एक कट्ठा में करीब करीब 7 मन 8 मन का धान उत्पादन हो सरकार ने लिए सकते हैं तो कहो कहो वही के आप वहाँ अतने नहीं करो कम में जगह में करो जे कि मतलब हमने किन सक वहाँ के रह जाते लेकिन वहाँ के उत्पादन हमारे मशीनरी कहाँ फेल हो जाए हमारे मशीनरी नेपाल की कृषि कतौ फेल हो जाए नेपाल में केना भेल कि अपने के सर्वप्रथम सिंचाई बहुत जरूरी है कैला कि तो मतलब यह देखल जाए ना कि जब अपना खाना के लागे दालि बनबे या कथु बनबे पानी के आवश्यकता पड़े है नीमक के आवश्यकता पड़े विभिन्न चीज के नून हरदी सब आवश्यकता पड़े तहिना उत्पादन के लागे सर्वप्रथम सबसे जरूरी चीज है अपने के पानी सिंचाई दू नंबर में समय में आ सुलभ मूल्य में अपने के खाद भेले मल जल भेले तेकर बाद में अपने के ओहिमे रोगनाशक विषादी भेले कीड़ानाशक विषादी भेले किसान देश में चाहे तेस में जगह को उपलब्ध होना चाहिए ते चीज का त्रुटि ने त्रुटि है तेकर बाद में अपने के कभी कभी की होती क्या बने के अपनता वातावरण चेंज से हो भागे जल स्रोत के दोसर देश कहे छे नेपाल नेपाल हनी ब्राजील के बाद में नेपाले के नाम हो गई छे कि नेपाल में तो सिंचाई व्यवस्थापन आसानी से कैल जा सकी है कारण ऊपर के पानी नीचे आ जाएगी तो अमे की छे कि अपने के में विभिन्न किस्म के योजना परियोजना सब भी बनल छे कि मतलब सेलो ट्यूबवेल भेले डीप ट्यूबवेल भेले और भी नेचुरल रिसोर्स है मतलब जो प्राकृतिक पानी है ते के प्रयोग करे के लागे सब योजना सब छे लेकिन अमे की छे अपने के लिंकेज कोऑर्डिनेशन आ लिंकेज मतलब एक दोसर के पूरक जे हेते इमे बहुत त्रुटि छे ताहिमे की छै तऽ अभिभाव तऽ हम एकटा अथी के कर्मचारी के हिसाब से हम ककरो दोषारोपण नहि कर सकै छी लेकिन कि कतौ ने कतौ एक गैप है लिंकेज जे होबक चाही से गैप है आ जे वास्तविक किसान है जे मेहनत करय वाला है जे अपने के पसीना चुअ वाला है जे उत्पादन करय वाला है जे कि ओ उत्पादन हर जगह पुगतै ओहि के देश के अर्थतंत्र में टेवा पुगतै तेहन व्यक्ति सबके उपलब्ध नहि भऽ रहल छै ओहिमे की होइ छै जेना कि जे बेसी बोलय वाला छै जकरा पास में पहुँच है जकरा नॉलेज न है पहुँच जाए चीज से सब जाकर मौका आदेश को जे उसी को अपने के एहन जगह पर जरान करे से ये सब पानी नहीं निकले अब हम सब जैसे समय बहुत कम है
सीधा हम सब बात करी जे राज्य विभेद करे छे, राज्य नहीं चाहे छे कृषि के विकास बढ़िया से हुए वैज्ञानिक तरीका से, लेकिन किसान के स्वयं के वर्तमान परिवेश में खास करके धनुषा जिला महोत्तरी जिला जे तराई के किसान सब के अखन कौन बाली उत्पादन कैला से आमदनी जे से बढ़िया हेतै अपने के विचार में? देखो ऐ के लागे हम की करब कि खास करके तराई क्षेत्र के कृषक भाई सब से हम की अनुरोध करबे कि अब जे है से वातावरण चेंज भ गेल है, अपने के अखुनता जे खेत के जे माटी है उ माटी में उर्वरा शक्ति के बहुत कम भ गेल छै, तै दुआरे आ वातावरण आ माटो आ पानी के अभाव के दृष्टिगत राखि कऽ अब एहन बाली अपनाबे पड़लै जेकि प्रति इकाई जगह में बेसी से बेसी उत्पादन भ सके और अपन दैनिक खर्च पढ़ाई लिखाई बच्चा के और स्वस्थ रहनाई और साथ साथ में अपन जे है आय जे है से कनी ऊपर उठाव के लागी प्लस देश के अर्थतंत्र में सेहो टेवा पुगाब के लागी कि बहुत किस्म के एहन चीज है जे कि वैसा बेसी आमदनी द सके, जना कि मतलब अपने के तराई क्षेत्र में अपन त हम अपने खुद नेपाल कृषि अनुसंधान परिषद से अनुसंधान क के भी हम में देख ले रहे कि सोहिजन के पहाड़ में एक मूंगा से हो कहे है, जगह जगह पर कौन जगह पर का शीतल चीनी से हो कहे है, लेकिन वैसा के बात के सब आदमी अपना तरकारी में प्रयोग करे है, तो ये चीज जो है अपने के अखुनता बाजार में एक पोवा अगर बेचा जाए किसान तो इसको 60 रुपया 70 रुपया एक पोवा के, एक मतलब 250 से लेकर 300 तक किलो अखुनता बाजार में है, जैसा कि अभी के बाद में तो 300 रुपये किलो बढ़ा है, तो वही दुआरे किसान सब अपना बाड़ी में अपना देश को कोनो चीज नहीं उपजी है, तई जगह पर अगर 4-5-10 का अगर ये दो किस्म के हो सोचन, एक तो हो कि साल में एक बारी फड़े जेकि बैसाख में व चैत्र के अंतिम सप्ताह में जाकर सभी के काट के दाय के काट के बेचे है चाह खाए है, आ एक हो कि साल भर फल वाला बरमसिया हो चे। अगर बरमसिया गोई तो कह अगर 10 भी गाछी रोपे तो अच्छा आमदनी आ सके, चाहे उनके फ्लैट में अपने के सुनजनों में हाइब्रिड है हाइब्रिड की बात अपने करे छी कि नहीं हाइब्रिड नहीं छे, ई की छे अपने के स्थानीय जात छे, लेकिन वो हमें कही कि मोल जल द क और व्यवस्थापन क क लंबा लंबा कैलकुलेशन, अगर अपने के विचार में एक कट्ठा में अगर सुहिजन खेती अगर किसान करे तो खर्च कते हेते माने लागत कते और एक आमदनी कते हो सकती है? इसमें खर्च बहुत कम है कैला गे तो इसमें धान लेखा गहूम लेखा से है दोसर फल फूल लेखा इसमें बेसी काम नहीं करे पड़े, रोप गला के बाद में अपने आप बढ़े हैं पेस्टिसाइड के छिड़की के हाँ एक ताकि थी उसमें कि वो से डरा है आदमी का अंग्रेजी में हैरी कटर पिलर कहे छे आ पहाड़ में एक मतलब झुसिल कीड़ा कहे अपना सब भुआ अपना सब तराई में भुआ कहे है, तो वही के रोकथाम सजिल हो गई वही के व्यवस्था कर के लगे की है कि अपने के कि रात में ऊपर में चल जाए लाल एक माओ जो है ना से माओ जो है से अंडा दे पा रही है पता में सोजन के पता में चाहे कोनो भाग में डायरे में वो अपने के 250 से लेकर 300 अंडा पा रहे हैं और 3-4 दिन के बाद में वो की हो अपने के कि वो हैच भक लाल भी भर जाए पिलुआ जगह कहे छोटे छोटे तो बैठ जाए तो दिन रात में जैसे ऊपर चढ़ लगे चल जाए थे वो सोजन के पता सब खा कर वो पूरे पते खा जाए थे, लेकिन दिन में जो है कुछ नमहर भला के बाद में दिन में जैसे की हुए सब वही सोजन के फेद में चल जाए निचल जाए अथी में जेल में, तो वही समय में अपने के कोनो कीटनाशक विषा दी जना के डूम भेलै जना के डाइकोली भोज समूह के नुभान भेलै बादल भेलै व सुपर किलर भेलै कोनो विषादी से 2 ml प्रति लीटर पानी में घोर कर आ जेल में छीट देवे तो कुछ देर के बाद में अपने ने चल गिर पड़ते ओहो से नहीं होते तैटा के डंडा में अपने के कपड़ा बांध कर आ मोटी तेल लुका लगा कर वही के गरम से सोख सके व साबुन के जे सर्फ के जे पानी है ओहो देला के बाद में उछे देला के बाद में खत्म हो जाए छे वाह, और दोसर के है कि मतलब अपने के गर्म पानियों दर्द दे सकते लेकिन बहुते नहीं कैला के तो वो तो बिरुओं में जो ओकर गाछ है तो हम असर होते ते द्वारा ओके व्यवस्थापन कर जा सके गर्म पानी सबसे उपयुक्त बुझाइए पैसों कोनो खर्चा नहीं हाँ आ कोनो
पर्यावरण से प्रदूषित नहीं हेतु गर्म पानी के प्रयोग कैल जाए। गर्म पानी के प्रयोग कर लेकिन के तो कुछ देर के मतलब वो दैसे कि मतलब अपने के वो कर जो छुलका हो से निश्चित चाहिए तो गाछे खत्म हो जाते गर्म पानी कपड़ा में मतलब बुरा का फोटो ऊपर लगा दियो अथी हो जाए। और बाद एक घर में एक कट्ठा में आमदनी कते के अपने के एक कट्ठा में अगर तीन अपने के 15-16 का 18 महीना में फल लगे एक बाजी तो एक कट्ठा में दूरी कते पर दूरी जो है से 2 मीटर से लगकर 2.5 मीटर अपने के 6 फीट तक 6-7 फीट 8 फीट तक एक बोर बिक्री के देकर समस्या नहीं बिक्री का समस्या शहर में एक दे बिक्री गुंडी गुंडी उड़ जाएगी कोई समस्या नहीं है। सबसे पहले सुविधा में किन जाए छे तेकर बाद ही सोहिजन के बाद नेक्स्ट में की करा चाहिए किसान के तुरंत आमदनी लेवे के तुरंत आमदनी लिए के लागे अपने के जना के तरकारी खेती भले जना के अपने के भंडा भले जना के अपने के अर्ली एकदम अभी जना की भादो महीना है अगर किसान के सबके अखुंता जे खाली जगह हो कनिका ऊंच हो जे पानी कनिका नहीं जमे वैसे को जे मुरई जे अखुंता छिड़ल जाए तो अपने के जल्दी निकल जाते उस समय की होते कि 40-30 रुपया पत्ता सहित ही बिका सके वह अपने के सागे पात बने राय के साग हो जाए कुछ नया नया जाए चाहे जना कि हिम चौरा पात है खूमल चौरा पात है तंखुआ है इस जात सबके राय के साग अगर निकाल जाए सवेरे में तो वह आमदनी भ सके। तेकर अलावा अपने के टमाटर भेले तेकर अलावा अपने के भिंडी भेले भिंडी के देखू ना एक बार में अपने के एक कट्ठा या डेढ़ कट्ठा या 2 कट्ठा में छिटल लगाल जाए बढ़िया ढंग से क्यारी क्यारी बना कर अगर उसके व्यवस्थापन कर जाए तो उसे तीन दिन पर तोड़ सके ओके तो कंटिन्यू आमदनी होते कंटिन्यू आमदनी होते तीन दिन पर के तोड़ 3 दिन पर ये सब है। और भी जना कि सवेरे में कनिका मेन सीजन आवे से पहले अपने के टमाटर निकाल लू वो मेन सीजन आवे से पहले बंदा निकाल लू कोबी निकाले को नए कोबियों में बंदों में अखन हाइब्रिड के नया नया जात सब आ गए जे कि अरे के वातावरण में भी अच्छा ढंग से कुरिलो जे कहे छी से हां कुरिलो के की है तो कुरिलो तो बुझो कि एक प्रकार का दवाई है के लागे तो अपने के सोहिजन अब कुरिलो एक एक दूसरे के रखा जाए पहाड़ में कुरिलो हो चले तराई में सोहिजन हो चले तो अपने के की है कुरिलो जो है से अपने के अखुंता भक्तपुर स्तर में भक्तपुर कावरी सिंधुपाल चौक इवन सुन सही तराइयों में तो वही में की है कि अपने के दू दू बीघा 3-3 बीघा भाड़ा पर जमीन लग आ के मतलब कुरिलो को खेती कक आ के किसान सब के बेच रहा है 300-400 रुपये प्रति किलो में जेकि अपने के विदेशों में मतलब पठारी पड़ रहा है। तेकर बाद में अहू में हम अध्ययन माइट के अनुसार पूरी लोग में माइट के अनुसार कह रहा है अहू में अध्ययन परीक्षण हम 5 साल तक के लिए कृषि अनुसंधान के बेला चापी में जे कि अपने के महेंद्र नगर से पश्चिम साइड में पड़े तेज सीमेंट फैक्ट्री के नजदीक में फार्म है कृषि अनुसंधान के वही के हरेक पहलू से हम देख लिए वही में की देख लिए कि अपने के तराई क्षेत्र में होते कि नहीं होते कहते तो उच्च पहाड़ में उछले मध्य पहाड़ में उछले लेकिन हम एक प्रोजेक्ट लिख कर अध्ययन के लिए कि इसको कौन चीज में टूटे आ सके तो हम अध्ययन से की देख लिए कि अपने के 98% अगर जर्मिनेशन भेल है वातावरण में तेकर बाद में एक रोपला के बाद से ओकर जे वृद्धि है ना जे बढ़ के क्षमता है तो टेम्परेचर के चलते लेकिन पानी दिए पड़े किसान रह पड़े एकदम बढ़िया ढंग से मतलब अपने के बढ़ले अपने तो विद इन मतलब ये जेस्ट में आषाढ़ में ब्यू छिटली तेकर बाद अध्ययन के नतीजा के आधार पर हम कह रहे तेकर बाद में अश्विन में हम कार्तिक में जाकर रोप दिलिए तेकर बाद में अपने के चेत सतो में सट्टूसा निकली है कि बांस के जरा कोपर होती मोट है तो पतला और होते पतला निकले है तो वो अपने देखो तो 4 इंची 5 इंची के हो है 6 इंची के देख तू निजा सत्तो है लोग अपने 4 वर्ष निकले है तो मल जल का बढ़िया व्यवस्थापन करो पे एक पुष्टी को हम निकालने चाहिए जे कि अगर कोनो किसान दादू भाई के अगर आवश्यकता हो विशेष जानकारी हो तो उसको संपर्क रहे दोस्तों अपने के ये मिथिला फल फूल के लिए अपने के लिए से अच्छा एक चीज अपने के दिन का हमें में हम 1 मिनट समय आ रहे अपने कुरिलो और सोहिजन के बारे में हम कहने चले एक उपयोग था अपने नहीं पूछ ली लेकिन हमारे किसान दादू भाई सब के इस चीज के जानकारी हम कह दिए चाहे छे कुरिलो भेले या सोहिजन भेले ओय में की है तो दोनों के प्रति किलो अगर दाम बहुत ज्यादा छे दोसर तरकारी के तुलना में आई के फायदा की है जैसे कि सोहिजन है सोहिजन के तरकारी जे खाओ
अपने के पेट के कब्जियत अहा के तीन दिन चार दिन तक लगातार खेली कब्जियत खत्म हो जाए। दोस्तों में कि आंख के रोशनी से हो तेज हो सब डिटेक्टर रिव्यू पे पढ़ लिए थे के आधार में वैज्ञानिक कारण के कारण सा क्या तो दोस्तों दोस्तों जगह में कारण सुनाने में नहीं क्या है पूरी लोग है पूरी लोग को कहना छे पूरी लोग को बाद में कह पहले हम सोचेंगे के लिए छे तेकर बाद में कि अपने के अपच खत्म हो जखन ते पेट में जे क्लियर भ गेले मतलब कि कहे डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा भ गेले तो आहा के ब्लड प्योरिफिकेशन होई तेकर बाद में और कि है कि फेस में चिल्लो पर शाइनिंग रहे से बढ़िया होवे है तेकर बाद में अपने के डायबिटीज कहे छै त शुगर के अपन दर बेसी छै ओहो के कुछ हद तक मतलब ई अथी कर छै और दोसर चीज में कि है कि हार्ट हार्ट के जे प्रॉब्लम है हम लिटरेचर के आधार पर कहे हम मेडिकल डॉक्टर ब्लड के पतला करे पतला करे ना ते द्वारे ओ के ठीक करे दोसर अलावा में बैसा के करते के सब कोई सोजन के तरकारी खाई छै के लखी होय छै कि अब जे से गर्मी चल रही एक सेवन करो के लागे तो वो फायदा कर बढ़ी शांति अब हाँ शांति हो शीतल हो और दोसर में आप कुरीलो के बात करें तो कुरीलो को भी ओहिना है कुरीलो के तो अपने की कहे मतलब सुतकेरी भेला के बाद अनिवार्य रूप से खी भी हो कई लागे तो वही में एहन किस्म के तत्व तो सब है विटामिन ए भी हो बी हो सी हो मिनरल्स बेसी हो कैल्शियम हो फॉस्फोरस हो आयरन हो सब के चलते सब चीज पर तो बहुत संयुक्त किस्म के तत्व सब में मिश्रण है तो वही सब अपने के सबसे बेसी की हो जोड़नी सब है ना जोड़नी भेल ठेहुना के जोड़नी भेल और चीज के जोड़ने सब है ते के मजबूत बन हड्डी के मजबूत से और लेडीज सब के खास करके डाँड जे एकदम कमजोर भ गेल एमे दुखायल बैक बैक पछाड़ी के जे हड्डी सब में जे अथी सब दुखाइत रहे छे वो सब जे है से सब ठीक करे तेकर अलावा अपने के छाला सब है ना वो छाला सब में मतलब की कहे छे शाइनिंग लगे है रुखोपन जे हो छे खसरोपन से सब नहीं आबे छे आ फेसो में शाइनिंग रहे छे और दोसर में ब्लड प्यूरिफिकेशन तेकर बाद में अपने के डाइजेस्टिव सिस्टम के बढ़िया करे छे ब्लड प्यूरिफिकेशन बढ़िया करे है बहुत ही मेडिसिन है दोसर बात की है वैष्णव के लागे तो बहुत बड़का चीज है तो प्रोटीन बहुत हाई हो मांसाहारी जे छे तो मछा मासू अंडा भी खा ले छे लेकिन जे शाकाहारी छे शाकाहारी के लागे कोई किस्म के भोजन छे अगर एमें जे मांसाहारी है आ कुरीलो के तरकारी जे अगर खेथिन तो वही में अपने के मछली के अगर मसाला बदल जाए तो मछली के स्वाद आवे छे अगर मांस जे बने छे ते के मसाला बदल जाए तो मांस के स्वाद आवे है कहला तो हम बेला का में अध्ययन के क्रम में काठमांडू में 250-300 रुपये प्रति किलो रहे लेकिन ऐसे को बिक्री नहीं हुई केकरो पता नहीं रहे तो हम अपने को 80 रुपये कह देलिए तब ओहो क्यों नहीं ले तब प्रथम बार में हम फ्री में एक 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 पौसों के दर्द बैठेगी तो सब कोई खेला के बाद में से एते ओकरा सबके अच्छा लगले कि लेबर सब कहीं हम लेबे किलो तो हम लेबे किलो कहकर सब ले लिए लगे ई अवस्था में एहन अवस्था में रहे आब हम सब कनी बात करी जे फल फूल जेना मिथिला के फल फूल के तो प्रख्यात जगह छे सीताफल सीता जी खाए छलखिन या कहीं के अपने के मुजफ्फरपुर जाओ तो सेव जगह लताम भेटत नेमो काकती नेमो सब भेटत ते काकती नेमो के खेती या लताम के खेती या सीताफल के खेती ये सब केला हरा गए एक सबके केला से की भ सकती है माने उपलब्धि किसान के कते फिर है एमे के छे कि मतलब साल में एक बार जी मते फल है किसान सब चाहते कि अपना जमीन से हम मतलब कंटिन्यू के साल भर ओकर मतलब उत्पादन हम लेते रहे तो वही द्वारे क्रमशः कम भेले जना कि हाँ अखन तक जना कि आम भेले जना कि और चीज भेले ते सब के बढ़ल छे कटहल के बढ़ल छे मतलब हाईवे एरिया में पारी लेकिन फल फूल तो पूरे समाप्त हो गए फल फूल अपने के समाप्त भ गेले केला के तो उबरा शक्ति जे छले माटी में पहिलका के जंगल कटाने भेले तो ह्यूमस बेसी रहे अब जे है से क्रमश कम भ गेले हाँ अब जे अपॉर्चुनिटी कथी के छे अपने के तो ओहन वैरायटी के आविष्कार सुन्तला कार्यक्रम जे छै पारी पातले में तै सुको से नीमू कागती जे छै ना जे के कुछ वैरायटी है जे के लेमन 49-52 जात के है जे कि कृषि अनुसंधान के बेला टाइपी में एकटा अध्ययन परीक्षण के रूप में लागल छै उसको तो वो सीडलेस सेहो है रस ओकर जूस बेसी अबै है और स्वाद भी बहुत बढ़िया है तो वो चीज मतलब इसको लगा कर के ना के बाजार में देखो अपने के एक कागती नेमो के 15-20-10 रुपया बिक्री भर रहा है कृषि वैज्ञानिक वही द्वारे अगर किसान सब को जोर दे जाए तो वह का आय मूलक चीज कृषि वैज्ञानिक जामुन प्रसाद साहब जी हम सब करी करी अब सीधा सवाल के बिल्कुल अंत में चले आए अपने साहब सीधा सवाल करो
और सीधा सवाल में दो टा ऑप्शन दे, कृपया आपने एक टा कर जाते अनुमति तो अपने से प्रश्न करी कर जाता है, बहुत खुशी बात है। अपने के विचार में कृषि से बेसी आमदनी किसान के होइ छै कि बिचौलिया के होइ छै? अपने के नजर में बिचौलिया तब बुझे हो गए हम बुझे जेकरा ब्रोकर जेकरा ब्रोकर जे हो कहै छै बिचौलिया के होइ छै सबसे बेसी अपने के बिचौलिया के होइ छै। के लागे त अपने के मेहनत वाला किसान के बहुत ही मतलब आधा पैसा मात्र मिले है, बिचौलिया रहे से आधा से बेसी पैसा खा जाए छै। कृषि के और किसान के दुर्दशा के कारण नेपाल सरकार कृषि प्रविधि नहीं बुझे छे कि बुझ वाला लोग जो नेतृत्व पंक्ति में पहुंचले नहीं है, जिनका कृषि के ज्ञान नहीं है, क्या नाम है अपने को बुझ ही नहीं पड़े छे कि बुझ वाला व्यक्ति पहुंचले नहीं छे ठमा जे नीति बनाबे छे कृषि नीति। हाँ रखता सके छे मैं हम मतलब कह चाहब कि दीर्घकालीन किसिम के योजना हो चाहिए, नीति बनाव वाला ओहन व्यक्ति एखन पहुँचल छै ओहिमे की होइ छै अपने के मतलब अपना नेपाल मे अदला बदलाव बेसी होइ छै, जे योग्य व्यक्ति हो कैसे नहि भऽ कऽ राजनीतिक तवर सँ ओ नियुक्ति होइए, ताहि दुआरे योजना कार्यबन्ध एकटा इफेक्टिव प्रभावकारी तरीका से चलत चाही ताहिमे त्रुटि। सीधा सवाल के बिल्कुल तेसर जिज्ञासा करी, कृषि खेत और जंगल ये दूटा ने अपने बेसी महत्व महत्व दोनों के कृषि खेतों के और जंगलों के, लेकिन बेसी महत्व अपने के नजर में जंगल के ही कृषि खेत के है? हमारे नजर में तो एक दूसरे के पूरक है वो, लेकिन अवसर तो एकटा है तो पूरक के रूप में अबे है कि अगर जंगल नहीं रहते तो अपने के बहुत साइड में इफेक्ट होते पहला के ऊपर है बेसी महत्व जंगल की खेत। हमारा विचार तो बेसी महत्व तो जंगल के, जंगल रहते तो पानी पड़ते पानी पड़ते तो खेती होती होते नहीं तो कुछ होने होते। एक लाख वातावरण जैसे डायरेक्ट रिलेटेड है अपने के जंगल से, रिसाइकलिंग जो कहे ना रिसाइकलिंग होती है जंगल। कृषि वैज्ञानिक यामुना प्रसाद शाह जी अपने सीधा सवाल में बहुत महत्वपूर्ण समय दिल गई कृषि प्रसार में और कृषि विकास में और किसान के हित में अपने एनाहते निरंतर लागल रहू, किसान के कल्याण हुए। अपने कार्यक्रम सीधा सवाल में बहुत महत्वपूर्ण समय दिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनों के बहुत धन्यवाद है कि जनकपुर टीवी में आबि कऽ हम अपन जे अनुभव छै आ किसान सब भाई सबके कुछ अपन जिज्ञासा राखक मौका अपने देल गेलै रेडियो रेडियो के टीवी के माध्यम से, ओहिके लागि हम आभार व्यक्त करै छी। और हमर जे है से निरंतर अनुसंधान सब चलते है और चीज पर हम शोध सब कर रहल छी, टाइम टू टाइम हम अगर कोनो चीज के किसान के उपयोगी किस्म के चीज अयते तो हम फेरो किसान सब सर सब जनता सब हम शेयर करके लागे हम आब के लागे इच्छुक छी। आदरणीय दर्शक वीर, हम सब कोन परिस्थिति में जिये छी कि किसान के दूध जे बहुत महत्वपूर्ण चीज होइ छै ओकरा घरे घरे जाकर बेचे पड़े छै और तैयो कहि देलक जे दूध में बहुत पानी मिलेने छै, दारू जे हानिकारक होइ छै ओकरा घरे घरे जाकर नहीं बेचे पड़े छै, ओ कीना वाला आराम से जे से होटल में पहुंच जाए छे जवानाई छे, ते किसान जे धोती वाला है छे ओ लंगोटी वाला है छे ओकर बारे में अपने सो सोचो और दूध और दारू ए दोनों में अपने भिन्नता पूछो, जे नीक लगे या तेकर प्रयोग करी। कार्यक्रम सीधा सवाल के समय समाप्त हो गेलिस, पुनः दोसर दिन दोसर विषय लगकर दोसर हस्ती के साथ हम राम मसीह सुपरिचित है, अखन के लिए विदा दिल जाए।